हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंटने केमिस्ट क्लासेस। तो बच्चों, हमने कल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बता दिया था, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ ली थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, ठीक है। ये जितने टाइप्स की हमारे पास वेव्स होती हैं, यानी आपके पास जैसे मोबाइल है, टीवी रिमोट है, टीवी है घर में आपके पास, है ना। तो ये सब जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करती है, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हमने सब डिस्कस कर लिया था, ठीक है, किस तरीके से वो आप ट्रेवल करती हैं, किस एक से एक स्टेट पाथ में वो ट्रेवल करती हैं, ठीक है, रिंग्स मोशन में करती हैं, है ना, रिंग्स में सर्किल में आप वो करती हैं, क्या ट्रेवल करती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवलेंथ, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहला था फाइव टाइप्स की होती हैं, है ना, फाइव टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट आपका वेव लेंथ होता है, है ना, वेव लेंथ होती है, दूसरी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, तीसरी होती है आपकी वेलोसिटी, आपकी फोर्थ होती है आपका वेव नंबर, और आपकी फिफ्थ होती है एम्पलीट्यूड। इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ रिलेशन जो बताया था मैंने आपको, एक रिलेशन बताया था C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, है एक रिलेशन ये था। दूसरा रिलेशन ये था कि म्यू बार इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5×10^16 साइकिल पर सेकंड, ठीक है, साइकिल पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दे रखी है साइकिल पर सेकंड, है ना। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, साइकिल पर सेकंड है, क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम नोट करते हैं म्यू से, इससे न्यू से, तो न्यू के लिए देखिए 5×10^16 साइकिल पर सेकंड, ठीक है, साइकिल पर सेकंड, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें वेव नंबर, क्या निकालना है, वेव नंबर यानी कि म्यू बार वाट। अब इसमें कौन सा रिलेशन होगा, जो मैंने आपको कल रिलेशन लिखवाए थे, है ना, मैंने फाइव टाइप्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखवाई थी, उनमें आपके फाइव टाइप्स थे, है ना, तो फाइव टाइप्स में रिलेशन भी था। अब एक हमारे पास रिलेशन था कि C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, एक ये रिलेशन था C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, ठीक है। अब यहां से आप, और दूसरा जो रिलेशन लिखवाया था मैंने μ बार इक्वल टू 1/λ, ठीक है, ये दो रिलेशन थे आपके पास। एक तो हमारे पास रिलेशन था C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, और एक था हमारे पास μ बार इक्वल टू 1/λ। अब यहाँ पर हमें क्या फाइन करना है, न्यू बार, तो न्यू बार क्या, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालो, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हम फाइन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू, क्या आ जाएगा, C अपॉन न्यू आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम किसकी लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन टू में, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये, तो म्यू बार इक्वल टू वन अपॉन यहाँ C अपॉन न्यू, तो म्यू बार इक्वल टू न्यू अपॉन सी आ जाएगा। तो न्यू बार इक्वल टू न्यू की वैल्यू देखिए 5×10^16, और आपको C की वैल्यू कितनी होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3×10^16, और ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी 8, ठीक है। तो म्यू बार इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 5/3×10^8, कितना आ जाएगा 8, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1.66×10^8, ये आपका आ जाएगा 8 मीटर इनवर्स, ठीक है, म्यू बार, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना। तो वेव नंबर में आपको इस तरीके से कि यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लाइन हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5×10^16 साइकिल पर सेकंड। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5×10^16 साइकिल पर सेकंड, है ना। हम यहाँ पे यूनिट से पहचान लेंगे उसको, फ्रीक्वेंसी होगी, एम्पलीट्यूड होगा, जो भी आता है आपका। और यहाँ पे न्यू बार फाइंड करना है हमें, तो C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू हम जानते हैं, रिलेशन बताया था मैंने पीछे। अब वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है, 1/λ, तो μ इज इक्वल टू C अपॉन म्यू, ठीक है। तो μ बार इक्वल टू 1/C अपॉन न्यू, μ इज इक्वल टू μ बार अपॉन सी,
तो म्यू बाय इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 और 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड क्या होती है वेलोसिटी, ठीक है। तो म्यू बाय इक्वल टू बाय 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 8 म्यू बाय 5.3 हमने सॉल्व किया तो ये आ गया आंसर म्यू बाय। और तो वेव नंबर आपका आ गया 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर इनवर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक आगे नोट करिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है। वन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीजियम हैज वेव लेंथ ऑफ 456 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ये सीजियम है, सीजियम से कुछ वेव्स निकल रही है, है ना, कुछ एनर्जी स्पेक्ट्रल हो रही है लाइन सीजियम हैज अ वेव लेंथ ऑफ कितनी है उसकी 456 नैनोमीटर, ठीक है। तो बच्चों इसमें वेव लेंथ दे दिया, तो आंसर में सबसे पहले नोट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है गिवन लेंथ, ये आपको दे रखी है लैम्डा, यानी लैम्डा आपको दे रखी है 456 नैनोमीटर, 456 नैनोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 456 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, ठीक है। 456 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर होता है, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखिए हमें क्या दे रखा है फ्रिक्वेंसी ऑफ, हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी, क्या निकालनी है म्यू, और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें निकालनी है फ्रिक्वेंसी यानी म्यू बार, सॉरी म्यू निकालना है, क्या निकालना है म्यू फाइंड करना है। तो वी नो डैट हम एक रिलेशन जानते हैं, रिलेशन जो होता है ना फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन लिखा था हमने, क्या लिखा था किसी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है हमें न्यू की, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा, क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो सी अपॉन लैम्डा होने के बाद क्या है न्यू, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी सी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना। तो और यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 456 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है मीटर। तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो साइकिल यानी हमारे पास साइकिल पर सेकंड होती है ना, रिंग जो बनती है ना फ्रिक्वेंसी में। तो न्यू इक्वल टू क्या जाएगा 3 अपॉन 456 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर प्लस के 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइकिल पर सेकंड या, ठीक है, पर सेकंड, पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पर न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद 3 अपॉन 456 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा 17 पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन होने के बाद आएगा 6.5, कितना आएगा 6. ये आएगा 0.65, है ना 6.5 आएगा 6.5, ठीक है। तो 6.53 ये समथिंग आ जाएगा, तो 10 की पावर यहाँ पे क्या है 17। अब मैं पॉइंट इधर लेके जा रहा हूँ 0.065 1 2 3, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा 14 पर सेकेंड आ जाएगी नहीं, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो आगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी 14 पर, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक। या इसको हम क्या बोल सकते हैं हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, है ना 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी आ गई हमारे पास, ठीक। चलिए तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हमें यह रिलेशन याद रखना है, एक ये रिलेशन याद रखना है सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, और दूसरा रिलेशन याद रखना है न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, इन दो से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम इज 5.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, है ना। तो हमें वेवलेंथ लाइट की निकाली है डी लाइन से स्पेक्ट्रम जनरेट हो रही है ऑफ सोडियम, है ना, सोडियम है इज 5 पॉइंट मल्टीप्लाई, तो
तो क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आंसर देखिए फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ डी लाइन यानी लैम्डा यानी आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 5.09 मल्टीप्लाई 10^14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ये दे रखा है। अब हमें क्या निकालनी है वेवलेंथ निकालनी है वेवलेंथ निकालनी है। तो सी की वैल्यू क्या होगी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्या होगा मीटर पर सेकेंड। अब वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। फाइंड क्या करना है इसमें से लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ठीक है ये हमारा रिलेशन आ गया। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या आ जाएगी वैल्यू देखिए ये आ जाएगी लैम्डा सी 3×10^8 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा ये आपकी म्यू की वैल्यू रखिए 5.09×10^14 यहाँ पर इसकी सेकंड मीटर पर सेकंड। ठीक है मीटर पर सेकंड यहाँ पर थी पर सेकंड। ठीक है क्योंकि पर सेकंड इनवर्स को मैंने पर सेकंड लिख लिया तो ये कैंसिल हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3×5.09×10^8×10^-14 ये ऊपर जाकर के माइनस की हो जाएगी। ठीक है तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा 3×1.09×10^10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा माइनस के 6। अब इसको डिवाइड करने के बाद लैम्डा का जो आंसर आता है वो आता है आपका यहाँ पर 0.5890। ठीक है 0.5890×10^-6 ठीक है मीटर आ गया। ठीक अब ये कि 14 है ठीक है मीटर आ गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू यहां से अगर मैं पॉइंट ले जाता हूं तो ये आ जाएगा आपका 5.89 ये जीरो है मल्टीप्लाई 10^ आपकी हो जाएगी यहां पर एक जीरो से ये कैंसिल हो गया। ठीक है तो वही आ जाएगी 6 ही आ जाएगी। ठीक अब यहां पर मैं क्या करूं इसको मैं चेंज कर रहा हूं एंगस्ट्रॉम में तो यहां पर आ जाएगा 5.89000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है मैंने मीटर से एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिया। ठीक है चलिए तो यहां पर ये होता है ठीक क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^ यानी कहते हैं वी नो डैट 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^-10 मीटर। ठीक है अब मैंने यहाँ पर इसको रखा जैसे 1.5 है इसको करने के बाद 10 कितने आ गए आपकी पावर 6। ठीक है तो 0.00 हो जाएगा 5.000। ठीक तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन क्वेश्चन नोट करिएगा। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा हमें कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग द वेव लेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो अब यहाँ पर हमें ओनली क्या करना है वेव नंबर निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालनी है ओनली हमें क्या दे रखा है वेव लेंथ दे रखा है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए कर रहे हैं यानी हमें फाइंड करना है वेव नंबर है ना वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर निकालने के लिए हमारे पास जो लैम्डा दे रखा है वेव नंबर यानी कि आपको निकालना है न्यू बार क्या निकालना है न्यू बार निकालना है न्यू बार व्हाट। तो इससे पहले करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे देखिए हम इसमें क्या करेंगे वेव लेंथ हैं लेकिन न्यू बार इक्वल टू 1/ क्या होता है लैम्डा होता है क्या होता है लैम्डा। अब हमारे पास यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दे रखी है क्या है लैम्डा की वैल्यू ये आपको दे रखी है 5800 है ना 5800 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5800×10^-10 मीटर। ठीक है 10 मीटर अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 5.8×10^1, 2, 3 प्लेस में गए तो कितने आ जाएगा यहाँ पर 7 मीटर क्या जाएगा 7 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर न्यू बार इक्वल टू 1/5.8×10^-7 मीटर
तो म्यू बार इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इसकी डिवाइड करके, यानी वो कट ऑफ 7 आ गया और 1/5.8, ठीक है। तो म्यू बार यहाँ पर इसका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.724, ठीक है। तो आ जाएगा 0.1.17, ठीक है, 172 10^7, ठीक इतना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो म्यू बार इक्वल टू 1.72 × 10^8 कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लैम्डा, तो लैम्डा यानी म्यू, यहाँ पे आपकी वेव नंबर की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर सही से कितना है यहाँ पर, ठीक है। तो 5.8 यहाँ पर देखिए 10 में से 1, 2, 3 यानी 3 प्लेस गया तो 7 है ना। तो यहाँ से हम 2 ही कर सकते हैं, 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो 5.8 और यहाँ पर 8, ठीक है। ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो 5.8 × 10^8 मीटर, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.0017 × 10^8, तो म्यू बार आ जाएगा 1.7 × 10^6 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर देखिए, अब हमें बी पार्ट जो निकालना है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी, यानी कि म्यू वाट। अब हमारे पास लैम्डा है, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू लैम्डा न्यू, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू C3 × 10^8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी दे रखी है, ये आप लिख लेंगे 5.8 × 10^8, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो आई थी न्यू इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 3/5.8 × 10^8 × 10^-8, यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो पर पर सेकेंड आ जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है, ऊपर प्लस हो जाएगा जाकर। तो 3/5.8 × 10^16 पर सेकेंड, है ना। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.172 × 10^ ये आपको सॉल्व करके आ जाएगा 14 per second, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो येलो लाइट हैज ए वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ठीक है। तो येलो लाइट हैज ए वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर और व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, है ना, हर्ट्ज में। तो यहां पर जो आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, यानी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा, जो वेवलेंथ लैम्डा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 600 नैनोमीटर, ठीक है, 600 नैनोमीटर। अब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 600 × 10^-9 मीटर, है ना। 600 को हम किसमें करेंगे, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 600 × 10^-9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6, ये 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस की पावर है, तो माइनस की पावर में से कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब वी नो डैट कि सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, है ना, तो न्यू है। तो अब सी यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, कितनी होती है मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸। तो यहां पर हम न्यू इक्वल टू ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन यहां पर आ जाएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया है, तो न्यू आ जाएगा आपका 3 × 6 × 10⁸ × 10⁻⁷, ऊपर जाके 7 हो जाएगी और ये आ जाएगा पर सेकंड। तो न्यू इक्वल टू ये 3 × 6 × 1/2 × 10⁻⁷ कितनी आ जाएगी 15, ये आ जाएगा पर सेकंड, ठीक है पर सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻¹⁵ पर सेकंड, ठीक है, या न्यू इज इक्वल टू 5.0 × 10⁴ कितना आएगा 14 पर सेकंड, या हम इसको कह सकते हैं 5 × 10⁴ हर्ट्ज, ठीक है ठीक है। तो क्योंकि 1 वो पर सेकंड इक्वल टू हर्ट्ज के होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं, ठीक है फिनिश, जो वेव लेंथ हमने फ्रिक्वेंसी पर दिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे क्वेश्चंस के बाद, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नोट करिए आप।